फाइंड इट्स एरिया इसका एरिया फाइंड करना है हमें इफ इट्स पैरल साइड्स आर वन मीटर एंड वन पॉइंट टू मीटर अगर इसकी जो पैरल साइड हैं ये दोनों वन मीटर और दूसरी साइड वन पॉइंट टू मीटर्स हैं एंडुलर डिस्टेंस बिटवीन दम इज जीरो पॉइंट एट मीटर और इन दोनों पैरल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो पॉइंट एट मीटर है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स इसको हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं या हाइट भी कह सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी कह सकते हैं तो एक टेबल का जो टॉप ट्रेपीजियम शेप का है उसकी दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है हमें और हाइट भी गिवन है हमें और क्या निकालना है एरिया तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला हमने सिर्फ पुट करना है और जो वैल्यूज गिवन है उनको उसमें पुट कर देना है ये सारे फॉर्मूलाज हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियोज में किए थे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे उसको जरूर देख लें क्योंकि इस यूनिट के हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है सो साइड्स ऑफ मीटर मीटर एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये का साइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं हाइट कितनी है वो जीरो पॉइंट एट मीटर सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ फॉर्मूले में हाइट यहां भी लिखी हो सकती है मल्टीप्लाई हाइट बाद में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट सम ऑफ है, है। मीन वन, वन प्लस टू करना है तो वन बाई टू मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाई 1+1.2 ये हो गया हमारे पास 2. 2 ऐड कर दिया इसको हम कैंसिल कर लेंगे 2 1 2 और 2 4 0, 8 0.4 0.5 दे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा अब 0.4 की मल्टीप्लाई 2.2 से करनी है तो डेसिमल की मल्टीप्लाई हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 4 88 डेसिमल का वन प्लेस इसमें और वन इसमें तो कुल मिलाकर डेसिमल के टू प्लेसेस बन जाएंगे तो ये बन जाएगा जीरो पॉइंट एट एट मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है तो जहां पर भी एरिया आता है साथ में मीटर स्क्वायर आता है तो उस टेबल टॉप का एरिया जो ट्रेपीजियम शेप दी क्या आ गया जीरो पॉइंट एट्टी एट मीटर स्क्वायर नाउ सेकंड क्वेश्चन द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर

एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर वन पेरे साइड की बन हमें टेन सेंटीमीटर हाइट की बन है हमें फोर सेंटीमीटर और फाइंड करें हमें लेंथ ऑफ अदर पैरेल साइड सो लेट लेंथ ऑफ अदर साइड ले लेंगे अदर साइड की लेंथ हमने ले ली एक्स एक्स सेंटीमीटर हो गई जो कि सारी चीजें सेंटीमीटर में है सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है हमें थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें गिवन है और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है हमें वन अपॉन टू इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरल साइड्स तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पे हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला राइट कर दिया इक्वल्स टू में थर्टी फोर तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू हाइट कितने दे रखी हमें फोर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरल साइड्स में वन पैलर साइड टेन सेंटीमीटर है और जो सेकंड पैलर साइड है उसको हमने लेट कर लिया था एक्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन प्लस एक्स इक्वल टू थर्टी फोर इसको सोल्व करना है ये हमारे पास आ गया टू मल्टीप्लाई टेन प्लस एक्स इक्वल टू थर्टी फोर टू की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से अगर हम टू की ट्रांसपोजिंग उधर कर देंगे तो वहां जाकर टू डिवाइड कर देगा अदरवाइज टू की मल्टीप्लाई टेन से भी कर सकते हैं और, और एक्स से दोनों तरीके से कर सकते हैं तो हम टू को वहां ट्रांसपोज कर देते हैं टेन प्लस एक्स इक्वल टू थर्टी फोर अपॉन में टू ये कैंसिल हो गया क्या आ गया? 17. तो टेन प्लस एक्स इक्वल टेन प्लस एक्स इक्वल टू में है सेवनटीन तो एक्स क्या आ जाएगा सेवनटीन माइनस टेन इक्वल्स टू सेवन सेंटीमीटर और एक्स क्या था हमारी सेकेंड पैल साइड सो अदर साइड इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर तो एक पैरल साइड थी सेकंड पैरल साइड फाइंड करने के लिए क्या किया हमने हमें एरिया गिवन था ट्रेपीजियम का तो एरिया का फॉर्मूला लगा के उसमें जो जो वैल्यूज दी हुई थी वो हमने पुट कर दी और ट्रांसपोजिंग से हमने अदर पैरल साइड फाइंड कर ली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज वन ट्वेंटी मीटर एक ट्रेपीजियम शेप का ये फील्ड है ए बी सी डी जिसकी लेंथ फेंस, उसकी फेंसिंग की लेंथ मीन्स क्या हो गया उसका पेरीमीटर गिवन है हमें वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर इफ बीसी फोर्टी एट सेंटीमीटर दिस बी सी इज फोर्टी एट सेंटीमीटर जो जो मेजरमेंट्स गिवन है हम साथ साथ इसमें फिल कर लेते हैं इफ बी सी फोर्टी एट सेंटीमीटर सॉरी बीसी फोर्टी एट मीटर सी डी सेवनटीन मीटर सी डी ये सी डी सेवनटीन मीटर है एंड ए डी फोर्टी मीटर है ये ए डी हमारे पास फोर्टी मीटर है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करने है जो कि ट्रेपीजियम शेप का है उसका क्या गिवन है हमें पेरीमीटर गिवन है वन ट्वेंटी मीटर लेंथ ऑफ फेंस और साथ में बताया हुआ है साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरल साइड्स ए डी एंड बी सी ये ए डी और बी सी कैसी साइड्स है पैरल साइड्स है तो हमने पैरल का साइन लगा लिया ए एडी और बीसी दोनों पैरल साइड्स है और ये जो साइड ए बी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है जो परपेंडिकुलर साइड होती है पैरल साइड्स के बीच में वही डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड्स मीन्स हाइट होती है तो हमें इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर गिवन है थ्री साइड्स गिवन है और हमें ए बी नहीं दिया हुआ और हमें ए बी क्यों फाइंड करना है क्योंकि हमें एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का और उसका फॉर्मूला होता है वन पॉइंट टू इंटू हाइट और वो हाइट हमारे पास नहीं है और वो हाइट कौन सी है ये ए बी क्योंकि जो नाइन्टी डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है वही हाइट होती है ये पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड्स वो हमें फाइंड करना है सो so गिवन है हमें लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी कितना वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर और लेंथ ऑफ फेंस यानी पेरीमीटर यानी कि सारी साइड्स का सम ट्रेपेजियम का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ये हमें गिवन है वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर तो यहां से ए बी गिवन नहीं है हमें बी सी गिवन है हमें कितना फोर्टी एट सी डी हमारे पास गिवन है ये सेवनटीन मीटर और AD गिवन है फोर्टी मीटर और ये सारा किसके कल है वन ट्वेंटी मीटर के तो ए बी प्लस इन सबको हम ऐड कर लेंगे सेवन और एट फिफ्टीन का फाइव वन फोर एंड वन फाइव सिक्स और फोर टेन वन हंड्रेड फाइव इक्वल टू वन ट्वेंटी मीटर तो AB क्या आ गया हमारे पास वन ट्वेंटी माइनस वन हंड्रेड फाइव इक्वल टू में फिफ्टीन मीटर तो AB हमारे पास ये आ गया यानी हाइट आ गई गईम की पैरल साइड है हमारे पास हाइट तो हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली अब हम इसका एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं सो so, पैर साइड ऑफ ट्रपीजियम गिवन है हमें फोर्टी मीटर और फोर्टी एट मीटर और हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन पैल साइड हाइट कौन सी है हमारे पास ए बी ये ए बी हाइट है दिख रहा है हमें तो ये कितनी आ गई हमारे पास फिफ्टीन मीटर सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड कर लेंगे इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू समल साइड्स तो पहले पहले साइड्स का सम फाइंड करेंगे वन अपॉन टू इंटू हाइट है फिफ्टीन इंटू समर साइड्स फोर्टी प्लस फोर्टी एट तो वन अपॉन टू मल्टीप्लाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई फोर्टी प्लस फोर्टी एट क्या आ गया एट्टी एट ये टू से कैंसिल हो गया टू वन ज़ार और ये टू फोर्टी फोर हजार फोर्त। तो फोर्टी फोर के मल्टीप्लाई फिफ्टीन से कर लेंगे फिफ्टीन फोर हजार सिक्सटी जीरो 15 फॉर द 60 6 660 ये आ गया तो सिक्स मीटर स्क्वायर तो इस ट्रैपिजियम जो शेप्ड फील्ड है एबीसीडी, उसका एरिया क्या आ गया हमारे पास 660 मीटर स्क्वायर तो एक बार फिर से देख लेते हैं लेंथ ऑफ फेंस गिवन थी मीन्स पेरीमीटर गिवन था और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी चारों साइड्स का सम हमें वन ट्वेंटी मीटर गिवन था और यहां से हमने ए बी फाइंड किया है ए बी क्यों फाइंड किया है हमने क्योंकि ये जो ए बी है ये इन पैरल हाइट है. है इस फील्ड की सो ए बी फाइंड कर लिया पैरल साइड हमें बताई हुई है क्वेश्चन में कि पैरल साइड डी एंड बी सी और हमने साइन इस पे पहले ही लगा लिया था और ये हमने इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस फील्ड का सिक्स हंड्रेड सिक्सटी मीटर